असलम जी क्या हाल चाल है आप सबके आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे सो वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ये मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और इसकी जो फुल रेसिपी है ना फुल मतलब वीडियो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी तो बस मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ही शेयर किए थे और ये इसकी फाइनल बस लुक आ रही थी तो बस मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बहुत ही मजे की रेसिपी बनी थी ये मैंने बनाया था आ, क्रीमी पालक गोश्त और मतलब मखनी स्टाइल में अगर आपने इसको बिल्कुल सही वाला मखनी टेस्ट मतलब देना होना टाइम टच तो आप ना इसमें जो है ना बटर ऊपर से डाल दें तो बहुत ही अच्छा बनता है या फिर जो भी आपने ऑयल यूज़ किया होगा उसके तो यहाँ पर बटर ही यूज़ कर लें लेकिन मेरे पास क्योंकि बटर नहीं था तो मैंने ऑयल में ही बनाया था ये लेकिन ये बहुत ही इसका अच्छा मज़े का टेक्स्चर था बहुत ही क्रीबी और बहुत ही मज़े का और जो गोश्त था ना वो भी इतना अच्छे से इसमें मतलब गल चुका था कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम पर इसको वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो और मैं वीडियो को यहाँ पर भी सॉरी जो इंस्टाग्राम पेज है मैं उसका नेम यहाँ पर भी लिख दूँगी आप लोग देख सकते हो वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन है तो आप लोग जाके जरूर फॉलो करना तो आज का जो व्लॉग है वो आप लोग टाइटल से जान चुके होंगे कि एक फंक्शन की प्रिपरेशन और साथ में जो भी फंक्शन था थोड़ा बहुत उसके मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर की है और अभी ना मेरे साथ रूम में उस मैम भी बैठा हुआ है तो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी तो क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा वरना मैं तो नीचे वाले पोर्शन में जाती थी और मतलब वहीं पे जाके थोड़ा सा सुकून था और आवाज़ें वगैरह ऐसी कोई ख़ास नहीं थी आती तो ये था कि मैं नीचे जा रिकॉर्ड कर लिया करती थी वॉइस ओवर कर लिया करती थी लेकिन अब इतनी ठंड है ना और नीचे वाले पोर्शन में भी कुछ जो है ना मतलब वहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि मैं फिर ऊपर ही जो है ना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और व्लॉग ना आने की वजह भी ना यही थी कि क्योंकि सब घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे इन वेकेशनस में माशाल्लाह सही रौनक लगी हुई थी घर में और बस अभी एक दिन हुआ है कि सब गेस्ट वगैरह जा चुके हैं फाइनली और फिर जाहिर सी बात है मैंने सोचा कि वीडियो जो भी मेरे पास पड़ी हुई मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लूँ ये जो वीडियो है ना ये मतलब ये जो व्लॉग है ये छुट्टियों से भी पहले का है और मैंने सोचा कि बस इससे ज़्यादा लेट ना हो और मेरी ऑलरेडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हैं वीडियोज़ तो मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग इसकी कर लूँ अच्छा यहाँ पर ना फंक्शन के लिए जो भी चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत चाहिए थी ना ये आप देख रहे हो ग्रिल करने के लिए फ़िश को ना फ़िश भी मंगवा ली थी साथ में जो ग्रिल ग्रिलर होता है उस क्या कहते हैं उसे वो भी मतलब ले आए थे और मतलब हस्बैंड और मौसम भाई साथ गए थे और जो भी ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान था घर में थोड़ी चीज़ें तो पहले से मौजूद थी जो थोड़ी बहुत नहीं थी वो मैंने बता दी थी और बस वो लोग ले आए थे और बस मैंने फिर वो सारी चीज़ें से मेटीं और अभी जो आपको मैं कप का सेट भी दिखा रही थी ना पहले तो वीडियो बनाते हुए ना बस मैंने एक ही कप निकाल के देखा और बाकी कप देखे ही नहीं और उसके बाद ये कप नेक्स्ट डे यूज़ हुए मेहमानों के आगे और इन सब में जो थे ना थोड़े बहुत मतलब ये क्रैक हुए हुए थे ऊपर से और मतलब सही ना चटके हुए थे और प्रॉपर ना मतलब ऊपर से तो टूटे हुए थे कि जहाँ से हम सिप लेते हैं ना तो पता नहीं उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर नेक्स्ट डे यूज़ भी हो गया और जब बाद में मुझे फिर मतलब जो जब धुल गए तो आंटी ने बताया कि मतलब इस तरह ना काफ़ी कप खराब थे और इस तरह से ख़राब निकले तो खैर फिर अब वापस भी नहीं हो सकते थे क्योंकि हम लोग उसको एक दफ़ा यूज़ भी कर चुके थे और एक दो दिन पुराने भी हो गए थे तो फिर ये है कि रख लिए थे लेकिन फिर मुझे बाद में मैंने कामलंडी को ही कहा था कि आप ले जाएँ अगर आप देख लें अगर आपके यूज़ में आते हैं नहीं तो आप भी फेंक दें और मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही कप बचे और बाकी सारे खराब तो ऐसा होता है समटाइम हम एक कप तो पसंद करके आ जाते हैं कोई चीज़ लेकिन बाद में पता नहीं होता कि वो लोग आपको किस किस्म की चीज़ अंदर पैक करके दे रहे हैं तो अभी यहाँ पे बस फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ नीचे वाले पोर्शन में ना जो सोफ़े हैं उनके कवर्स सिल के आए थे तो वो सारे कवर्स भी चढ़ाने थे और ये जो कवर्स हैं ना आपको मज़े की बात बताऊँ कि हमारे ना नीचे वाले पोर्शन में एक कमरे में कर्टन्स uh, चले हुए थे तो ये कर्टन्स के ना उसने कवर रेडी करके दिए हैं और पता ही नहीं चल रहा कि ये मतलब कपड़ा जो है वो कर्टनस वाला और इतने प्यारे लग रहे थे थोड़ा सिल्की सा कपड़ा था इनका और लेकिन कलर बहुत प्यारा लग रहा था और बस फिर चाय वगैरह उस्मान के लिए दूध भी मैं नीचे ही लगी थी फिर हम लोगों ने नीचे ही उस कवर्स वगैरह सारे डाले और चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर ऊपर आए काफ़ी टाइम हो गया था लेट हो गए थे काफ़ी लेकिन खैर काम से मट गया था और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे और हम लोग सुबह फिर लेट ही उठे काफ़ी क्योंकि रात को भी लेट सोए थे तो फिर सुबह तकरीबन हम लोग ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे सब उठे और फिर उठते ही पहले मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और ग्यारह तो नहीं ग्यारह थोड़ा सा पहले उठे थे क्योंकि अभी बारह बज रहे थे और अब तक मतलब नाश्ता वगैरह कर चुके थे और फिर मैंने सारा किचन वाइंड अप किया बर्तन वगैरह धोए और साथ ही जो हम लोगों ने ना रात को सफ़ेद चने भिगो के रखे हुए थे तो वो भी मैंने ना चढ़ा दिए थे प्रेशर लगा दिया था ताकि वो गल जाएंगे तो उसके बाद उसको पकाऊंगी अभी यहाँ पे ना हमारी जो काम वाली आंटी है वो भी आगे थी तो मैं यहाँ पे ना चाबी फेंकने के लिए आई थी मैं इस तरह चाबी फेंक देती हूँ तो आंटी ना खुद ही लॉक खोल के आ जाती है वा नीचे जाना पड़ता है लॉक खोलने के लिए और उस मेरे पीछे पीछे था बस इस टाइम आंटी को बुला लिया था वैसे तो आज संडे था संडे को आंटी आती नहीं है लेकिन हम लोगों ने बुला लिया था क्योंकि कुछ काम वगैरह हैं थे करने वाले और साथ में फिर सफाई भी होने वाली थी तो बस फिर इसीलिए आंटी को बुला लिया था अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको ये दिखा रही थी ये वॉल वॉल्टिकोर ये मेरे हस्बैंड ने ना दराज से स्टिकर मंगवाया था अच्छा जिसने जिसने भी घर में आ ये देखा है ना इस दीवार को तो सबको ये लगा कि शायद हम, हमने पेंट करवाया है और ये जो डिज़ाइन पूरा वॉस का फ्लावर्स का बनवाया है ये पेंट है लेकिन रियल में ये स्टिकर्स हैं और ये स्टिकर्स मतलब वो हमें बना मतलब एक पिक्चर होती है ताकि हमें पता चल जाता है कि जो स्टिकर है वो किस तरह से लगना है पिक्चर में सारा आइडिया हो जाता है तो फिर मतलब ये दराज से मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी में भी और ये आई थिंक 400 में टू स्टिकर्स मिल गए थे तो एक नीचे वाले पोर्शन में लगा दिया और एक यहाँ पे और ये बहुत प्यारा भी लग रहा था आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये दराज से मंगवाया हुआ वॉल डिकोर कैसा लग रहा था और इसके अलावा आप मेरे जो एक दराज की वीडियो लगाई थी ना अपलोड की थी उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यूज़ आए हैं और आप लोगों ने पसंद की है तो मैं इन शाला ज़रूर दराज से रिलेटेड वीडियो ना मतलब शॉपिंग से रिलेटेड इनशाला बहुत जल्द एक और वीडियो अपलोड करूंगी और अभी ना यहाँ पे पहला काम था कि मैं रूम्स की बेडशीट चेंज कर दूँ क्योंकि उसके बाद फिर आंटी ने जो भी सफ़ाई वगैरह करनी थी तो पहले ये वाले काम हो जाए ना बेडशीट वग़ैरह चेंज हो कवर्स चेंज हो तो फिर इजी हो जाता है तो अभी ना मैंने आंटी से मंगवाई थी ये सामने लेटर पड़ी हुई है क्योंकि ये लेटर सबसे ऊपर वाली छत पर होती है और ये मंगवाई थी क्योंकि ऊपर गैलरी से मुझे उतरवानी थी बेड शीट अच्छा ये बेड ना विंटर्स में ही डलती है इसलिए मैंने ऊपर से ऊपर रखवा दी थी लास्ट ईयर कि विंटर्स जब आएँगे तभी निकालूंगी तो बस अभी तक मैंने बिछाएंगी थी तो बस मैंने आज उसके दिन की दिन खिलवा ली और ये ग्रीन कलर में इस तरह की बेड है है मैंने अभी बिछाई थी ये बहुत प्यारी लग रही थी और इसका स्टफ ना बहुत गर्म है तो ये गर्मी में बिछाई जा नहीं सकती है तो मैंने इसलिए इसको ऊपर रखवाती थी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, में ज़रूर बताना कि बेडशीट कैसी लग रही है और जो छोटी मी की मैंने रूम में बिछाई है ना बेडशीट वो भी सेम इस तरह की बिछाई थी उसका कलर बस और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है लेकिन स्टफ़ सेम है पर्पल पर्पल कलर में वो बेडशीट है और ये दोनों हमने ऑनलाइन मतलब अहमद ने मतलब मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी और आई थिंक उस टाइम पर रेट इसका ज़्यादा ही था और क्योंकि शायद ये स्टफ़ जो है थोड़ा सा अच्छा खासा मोटा स्टफ है तो इसलिए शायद ये महंगी पड़ी थी वरना जो और भी हमने बेडशीट मंगवाई ना वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो ये शायद थर्टी फाइव हंड्रेड या थ्री थाउजेंड तक की आई थी उसके बाद फिर बस यहाँ पे जो मेरे देवर हैं मोहसिन भाई वो यहाँ पे सारी मैरिनेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी सारा सामान उन्होंने सेट कर लिया था ये सारा कुछ दही वग़ैरह और चिकन और साथ में जो फ़िश रात को ही धुलवा ली थी तो वो इस टाइम अभी मैरिनेट हो रही क्योंकि आपको पता है जब भी कोई घर में बार्बिक्यू वगैरह होता है ना तो मैरिनेशन तीन चार घंटे पहले कर ली जाए ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हमारे घर में ना जो जारबिक्यू है वो हम मोसिन भाई करते हैं और अच्छा वैसे ये जो फंक्शन है ना छोटा सा रात के टाइम ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मोहसिन भाई की एनिवर्सरी भी थी और बल्कि एनिवर्सरी ही थी इसीलिए फंक्शन हो रहा था और छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा था जिसमें मतलब जो उनके इन लॉज हैं वो सारे आ रहे थे और बहुत अच्छा मतलब एक गेट टुगेदर हो गया था बहुत अच्छा फंक्शन हो गया था और जब मेरा भी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी था ना तो हमने भी घर पे बारबेक्यू ही किया था क्योंकि जब मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी तब तो उस्मान बहुत छोटा था मतलब जब तो मैं मम्मा के घर में थी और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न था तो फिर हम लोग उस तरह से सेलिब्रेट नहीं थे कर पाए लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी ना तब भी हमारे घर में बारबिक्यू हुआ था तो इस दफ़ा भी मौसम भाई ने कहा था कि बारबिक्यू होने और बस उसी लिए यहाँ पर मैरिनेशन कर रहे थे साथ साथ मैंने और जो हमारी हेल्पर है ना उन्होंने मिल मतलब सारी जो कटिंग वगैरह करनी थी मतलब धनिया पुदीना का जो भी रायता वगैरह बनना था अब इसके अलावा ना कुछ खाना भी आज बनना था मुझे छोटी मी थी कि सफ़ेद चने और चिकन बना लेते हैं क्योंकि जो घर वाले हैं उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है शाम तक जो बार पीट किया वो तो रात में ही होना था तो शाम तक कुछ किसी को अगर कोई भूख लगी तो फिर ये है कि कुछ घर में सालन बना होगा ना तो ईज़ी हो जाएगा तो हुआ तो ये था वैसे घर के लिए बनाया लेकिन ये है कि वो बाद में बिना यूज़ हो गया था अच्छा यहाँ पर बस सारी जो मैरिनेशन वग़ैरह थी वो मैंने मोसन भे को तैयार करके दी बाकी उन्होंने खुद ही जो है ना सारा कुछ मसाले वगैरह अच्छा वो इतनी बार ये सारा कुछ मैरिनेट कर चुके हैं ना कि अब उनको मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई है और वो बड़े आराम से जो है ना आ, मतलब अंदाजे से सब चीज़ें डाल लेते हैं और इतनी अच्छी खासी क्वान्टिटी में भी ना वो बहुत ही अच्छा अच्छा मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं यहाँ पर अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे रायते की और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं था डाला आई थिंक थोड़ा सा डाला होगा हाफ ग्लास और दही बहुत मज़े का रेडी हो गया था और इसमें ये चटनी डाली थी चटनी में सिर्फ हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च जो है ना पानी के साथ ग्राइंड कर ली थी कोई मसाले वगैरह नहीं थे डाले ना जीरा ना फिर मिर्च ना नमक सिर्फ नमक हमने दही में ऐड कर लिया था उसके जो भी जितना उसमें चाहिए था ना उस हिसाब से तो बस यहाँ पर इसको विस्क कर लिया था अच्छे से ताकि जितने भी लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएँ और इससे ना फिर बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है रायते का और अभी ना कुछ देर पहले जो हमारी हेल्पर है ना वो नीचे वाले पोर्शन की सारी सफ़ाई करके ऊपर आ गई थी क्योंकि ऊपर ये वाला सारा काम चल रहा था ना तो उन्होंने सारी कटिंग और चॉपिंग में मुझे हेल्प कर दी थी यहाँ पे मैंने बाकी का जो मसाला था चने चिकन का वो भी रेडी कर लिया था प्याज टमाटर वगैरह भी मुझे कट करना था और ये सारा काम करने के बाद मैरिनेशन जो थी मतलब साइड पर लगाने के बाद उन्होंने फिर सारे घर की सफ़ाई की क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो सफ़ाई पहले होती ना तो फिर जाहिर सी बात है गंद दोबारा हो जाना था क्योंकि हमने यहीं बैठ के सारा कुछ किया था काम शाम तो बस अभी यहाँ पे सफाई चल रही थी और मैं बनाऊँगी यहाँ पे साथ साथ खाना क्योंकि सफाई चलना जो मैंने ऊपर मतलब साथ में प्रेशर लगाया हुआ था ना वो ये देखें आप अच्छे से गल चुके हैं तो बस अभी यहाँ पर जल्दी से मसाला रेडी करूँगी ताकि चले चिकन जो मज़े से रेडी हो जाए साथ साथ न मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेड को टोस्ट कर रही थी साथ में ऑमलेट बनाऊँगी छोटा सा, सा मतलब बिल्कुल सिंपल सा और ये मैं के लिए बना रही थी क्योंकि उस्मान को ना इस टाइम पर भूख लग गई थी सुबह का उसने नाश्ता किया हुआ था और अभी यहाँ पर ना तकरीबन शाम के तीन चार बज गए थे हमें लगे हुए तो उस्मान को क्योंकि जाहिर सी बात है शाम का टाइम है भूख वगैरह लग जाती बच्चा है बचाए तो फिर मैंने उसको उसके लिए यहाँ पे ना जो ब्रेड है वो टोस्ट कर दी थी क्योंकि खाना बनने में तो भी थोड़ी देर थी तो बस फिर जल्दी से पहले मैंने ब्रेड टोस्ट की और साथ में मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और बस उसको मैं पहले खाना खिलाऊंगी फिर उसके बाद बाकी के काम करूंगी और ये देखिए ज़रा मैं कुछ वीडियोस पहले ना मैं आपको एक वीडियो में शायद बता रही थी कि अंडा फ्राई जो है ना वो मतलब तवे पे हो जाता है और मैं कभी कभी करती हूँ तो बड़े आराम से जो है ना मतलब अंडा फ्राई हो जाता है और चिपकता बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आज देखिए ज़रा मैं फिर से फ्राई कर रही थी और फिर मतलब वो चिपक ही गया तो बस ये मतलब पता नहीं किस पर डिपेंड करता है किस चीज़ पर आई थिंक मुझे तो वैसे लगता है कि तवा बहुत ज़्यादा अगर आपका गर्म होना और फिर आप अंडा फ्राई करो ना तो फिर शायद नहीं चिपकता लेकिन कभी कभी तो वैसे भी चिपक ही जाता है और बस फिर उस्मान को खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया चने चिकन का सामान बस बन चुका था यहाँ पे और प्रेशर जो है ना फाइनल चिकन को भी लग चुका था बस ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और साथ में धनिया डाल दिया मैंने और बस ये रेडी हो गया और साथ में मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय उस टाइम उनको चाय पीनी होती है शाम के टाइम और बस फिर उन, उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे एक कप बस चाय बनाई थी और बस उसके बाद फिर आ, मैंने ज़्यादा कोई खास व्लॉग नहीं बनाया शाम तक क्योंकि उसके बाद फिर बस मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे उस के लिए कपड़े वगैरह निकाले और बस ये भी रात का टाइम था सब गेस्ट वगैरह जो है वो आ चुके थे और बस सब नीचे जा चुके थे नीचे वाले पोर्शन में सारा कुछ अरेंज किया हुआ था ताकि सबको मतलब आराम से जो है ना खाना वगैरह लग जाए और आराम से खा लें सब तो बस नीचे वाले पोर्शन में जो है ना सबने लगाया था मतलब खाना वगैरह लगाया था और मैंने उसमान को यहाँ पे रेडी कर दिया था साथ में भी मैंने रेडी होना था और ये देखा मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा ड्रेस था जो कि मैं बस एक दिन पहले जा ही जाके लेके आई थी और ये ड्रेस जो है ना ये खदर का ड्रेस है अच्छा मैंने खदर स्टफ़ बहुत पहना लेकिन मैंने ऐसा खदर स्टफ़ पहले कभी नहीं पहना हुआ ये अच्छा खासा ना मोटा खदर का स्टफ़ था कि आपको दिखने भी लग रहा होगा जितने जैसे इसमें थोड़ा सा इसका वो है ना स्टफ़ है मतलब काफ़ी खड़ा खड़ा सा कपड़ा था तो वाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ था पिंक कलर में था लेकिन मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा उसके बाद बस ये बाहर के सीन है कुछ क्योंकि आपको पता है कि घर के मर्द ही होते हैं जो बारबिकी सारा उधर वो रेडी कर रहे होते हैं और बस इस टाइम गेस्ट वगैरह तो नीचे जा चुके थे तो यहाँ पर बस मौसम भाई बैठे हुए थे अच्छा आपको हस्बैंड मेरे नज़र आ रहे होंगे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि इस टाइम उनकी तबीयत नहीं थी थी कुछ गला वग़ैरह खराब हुआ हुआ था तो और भाई ठंड में बैठना था, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा लिया था ताकि थोड़ा सा ठीक रहे और ज़ाहिर सी बात है फिर दूसरों <coughs> से भी अवॉइड करना पड़ता है तो बस इसीलिए मास्क लगा लिया था अच्छा यहाँ पे बस देखें चिकन का जो बारबेक्यू था ना मैं मैरिनेशन रेडी हुई थी पहले उन्होंने वो लगाया था और हमारे घर में तो एक ही अंगीठी है साथ में एक और अंगीठी ली थी कहीं से ताकि मतलब एक ही टाइम पर ना ज़्यादा क्वान्टी जो है वो बन सके और बस चिकन के फ़ौरन बाद जो है वो फ़िश भी ग्रिल हो गई थी अच्छा फ़िश का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम का था और पता नहीं क्यों इस टाइम हम लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़िश ट्राई कर चुके थे तो बस फ़िश का बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया लेकिन वही बात है कि जब हम फिश फ्राइड खाते हैं ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है लेकिन फिर भी खैर बहुत ही मज़े की बनी थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो स्टीम जो मतलब ये जो आ, स्टीम में बनी थी और इस तरह कोयलों पर बहुत ही अच्छी बन गई थी और ये भी रात का टाइम है सबने खाना वगैरह खा लिया था और केक वगैरह भी कट हुआ था उस टाइम पर मैंने कोई खास वीडियो वगैरह नहीं शूट की क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब साथ होते हैं तो मैं उस टाइम पर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई इस टाइम बस सारा जो है ना काम शाम खत्म मतलब हो रहा था और हेल्पर ने भी जो बर्तन वगैरह किचन वगैरह समेट दिया था और गेस्ट वगैरह भी ना इस टाइम पे कुछ तो जा चुके थे और कुछ अभी मौजूद थे जिन्होंने रहना था कुछ थोड़ी देर तक गए थे और बस यहाँ पे बर्तन वगैरह से मिट गए थे सारे और हम लोग बस बैठ के आराम से अब चाय पी रहे थे तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा मैंने नीचे वाले पोस्टर में ज़्यादा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि इसी बात एक गेट टुगेदर था फैमिली फंक्शन था तो उस टाइम पर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की और आई होप कि आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ ना मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो ज़रूर करना है तो आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़